पुंडीचेरी में आज कांग्रेस एवं डीएमके गठबंधन सरकार गिर गई है। मुख्यमंत्री वी नारायण स्वामी को आज विधानसभा में फ्लो टेस्ट से होकर गुजरना था। हालांकि सरकार गिरने के बाद ही उन्होंने अपना इस्तीफा उपराज्यपाल को सौंप दिया। केंद्र शासित पुंडीचेरी में अप्रैल मई में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में ये देखना बाकी है कि उपराज्यपाल राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करते हैं या एनआर कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष को गठबंधन को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं। कैसे गिरी नारायण स्वामी की सरकार। पुंडीचेरी में विधानसभा के कुल 33 सीटें हैं। इसमें से 3 सदस्य मनोनीत होते हैं। कांग्रेस के 5 विधायक एवं सहयोगी डीएमके के 1 विधायक ने इस्तीफा दे दिया था, वहीं 1 विधायक को अयोग्य ठहराया गया। ऐसे में अब विधानसभा में सदस्यों की संख्या घटकर 26 रह गई। इस स्थिति में अल्पमत साबित करने के लिए नारायण स्वामी सरकार को 14 विधायकों का समर्थन चाहिए था, लेकिन सरकार अपने नंबर को पूरा नहीं कर सकी और गिर गई। इसके लिए सीएम नारायण स्वामी ने केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा, पूर्व राज्यपाल किरण बेदी और केंद्र सरकार ने विपक्षियों के साथ मिलकर सरकार गिराने की कोशिश की। गौरतलब है कि साल 2016 में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। तब कांग्रेस के पास कुल 15 विधायक थे। इसके बाद कांग्रेस ने सहयोगी डीएमके के 4 विधायक और 1 निर्दलीय उम्मीदवार के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। राज्य में विपक्ष की हालत। विपक्ष के पास अभी 14 सदस्य हैं, जिनमें से 7 एनआर कांग्रेस के, 4 एआईडीएमके और 3 मनोनीत सदस्य हैं, जिन्हें तत्काल राज्यपाल किरण बेदी ने चुना था। ऐसे में विपक्ष चाहे तो सरकार बनाने के लिए दावा पेश कर सकता है, लेकिन पहले उपराज्यपाल को विपक्ष को सरकार बनाने के लिए न्योता देना होगा।